हेलो एवरीवन, और आज हम एक नए वीडियो के साथ वापस आए हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं न्यूज़ के साथ, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आए हुए हैं। जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि सीबीएसई ने बहुत ही पहले 2-4 दिन पहले ही क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। उसके साथ ही जैसे ही सीबीएसई ने कैंसिल करा उसके साथ बहुत सारे स्टेट ने, लगभग 7 स्टेट अभी तक एग्ज़ाम बोर्ड कैंसिल कर चुके हैं। तो अभी तक जैक का किसी भी तरह का न्यूज़ नहीं आया है और वो जैक का एग्जैक्टली अगर हम कहें तो जैक जो है इंतज़ार कर रहा है सीबीएसई कैसे अंक देगी। अगर कैंसिल करी है बोर्ड एग्ज़ाम तो वो कैसे मार्किंग करेगी, वो मार्किंग स्कीम पे अभी तक नहीं लाया है। इसलिए जैक उसका इंतज़ार कर रहा है कि वो सीबीएसई मार्किंग स्कीम बताए और वैसे ही हम अपना इधर साथ में ही कैंसिल का अनाउंसमेंट करें और मार्किंग स्कीम भी बताएं। देखो आज क्या आया पेपर में, परीक्षा हुई रद्द हुई तो क्या होगा रिजल्ट का मानदंड, इस पर मंथन शुरू। ये कहीं ऐरा गैरा नहीं, प्रभात खबर से हम ये न्यूज़ को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है देखो कि परीक्षा अगर होती है रद्द तो क्या होगा मानदंड इस पर, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, देखो क्या राज्य में मैट्रिक के विद्यार्थियों की स्कूली स्तर पर नहीं हुई है पिछले वर्ष एक भी परीक्षा। ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या बोलता है देखो, राज्य में जैक की मैट्रिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट का आधार क्या हो, क्या हो, इस पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग व झारखंड अकेडमिक काउंसिल द्वारा पहले ही सीबीएसई द्वारा रिजल्ट तय करने को लेकर जारी किए गए मानदंड का अध्ययन किया गया, ठीक है। इसमें पाया गया है कि सीबीएसई द्वारा रिजल्ट को लेकर तैयार किए गए मानदंड को राज्य में मैट्रिक के विद्यार्थी को पास करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य में विद्यार्थी को पास करने के लिए कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा को मैट्रिक के रिजल्ट का मूल आधार बनाया जा सकता है। मतलब कहा जा रहा है कि जो मैट्रिक के पास करेंगे, जो मैट्रिक को अगर एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, तो जो मैट्रिक वाले लोग जो प्रमोट किए जाएंगे उन लोगों का जो नौवीं में जो मार्किंग होगा उसको आधार बनाया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको 10th में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताता है, इसके अलावा कक्षा 9 में स्कूल स्तर पर हुई परीक्षा को भी देखा जा सकता है। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों वर्ष 2019 में कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। विद्यार्थी वर्ष 2020 की कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। कक्षा 9 में विद्यालय स्तर पर भी परीक्षा लेने के प्रावधान है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के पूर्व स्कूल में भी परीक्षा हुई थी, स्कूल में भी जो परीक्षाएं हुई थी उसको भी आधार बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इधर क्या बोलता है, कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा के अंक के साथ साथ स्कूल स्तर पर हुई परीक्षा का भी देखा जा सकता है। मतलब कि जिसको यूनिट टेस्ट कह सकते थे, जिसको क्लास टेस्ट, वो सभी को देखा, ध्यान में रखा जा सकता है, ठीक है। कहता क्या है कि अगर इधर देखो, सीबीएसई मानदंड लागू करने में क्या परेशानी, ठीक है, सीबीएसई का जो मानदंड है उसको लागू करने में क्या परेशानी है वो देखो। सीबीएसई द्वारा 10वीं के विद्यार्थियों को पास करने के लिए रिजल्ट को जो आधार बनाया गया है उसमें कक्षा 10वीं में विद्यार्थी को अर्धवार्षिक परीक्षा यूनिट टेस्ट प्री बोर्ड परीक्षा के अंक को देखा जा रहा है, ठीक है, ये सीबीएसई कर रहा है। इसके अलावा विद्यालय के पिछले 3 वर्ष के रिजल्ट में विस्तार विषयवार बेस्ट रिजल्ट को भी देखने को कहा गया है। लेकिन झारखंड में 27 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है। इस दौरान विद्यालय स्तर पर कोई परीक्षा नहीं हुई है, यहां तक कि प्री बोर्ड परीक्षा भी आयोजन नहीं की जा सकी है। इसके कारण सीबीएसई की प्रक्रिया को जैक के विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं किया जा सकता। ये दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे कि सीबीएसई में क्या होता है, यूनिट टेस्ट क्लास में होते रहता था, यूनिट टेस्ट प्री बोर्ड ये सब होते रहता था, तो जिसमें सीबीएसई को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना 3 साल पिछले भी देख रहा है, टेस्ट भी देख रहा है। लेकिन यहाँ जैक में चूंकि 2 साल से स्कूल बंद है और यहाँ पर कोई टेस्ट कोई प्री बोर्ड नहीं हुआ है, जिसके कारण सीबीएसई का जो मानदंड है वो लागू करने में परेशानी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी पे विचार विमर्श अभी चल रहा है, ठीक है। तो बस इसी अपडेट के साथ आए हुए थे। और आखिर में बता दें कि ये जो है आज का न्यूज़पेपर है, आप नीचे में देख सकते हैं, संडे 06 जून 2021, ठीक है। मतलब कि आप इस बेसिस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल ही की ओर जा रहा है, ठीक है, कैंसिलेशन के ही ओर जा रहा है, क्योंकि मानदंड के पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो कहाँ पर बात को गहराई से सोचो कि कहाँ पर बातें को ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग घबराएं नहीं, जो लोग टेंशन में हैं, दिमाग में स्ट्रेस बना हुआ है, वो सब बिल्कुल भी ना घबराएं, जो भी होगा अच्छा होगा। थैंक यू।